दोस्तों आज मैं फर्स्ट राइड करूंगा बजाज पल्सर NS200 2023 मॉडल का और आपको ये बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसी है। तो शुरुआत करते हैं टेस्ट राइड की। लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ ये बाइक आती है। सबसे पहले मैं इसके सस्पेंशन को टेस्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ पर बहुत से ब्रेकर बने हुए हैं। ये देखिए जितना तेज हो सकता है कुदा रहा हूँ जिससे आप लोगों को सही तरीके से बता पाऊँ। और एक बार मैं ब्रेकर के पास ब्रेक लगा के देख लेता हूँ। ये देखिए ड्यूल चैनल ABS का कमाल। तो आप देख ही रहे हैं ड्यूल चैनल ABS और फ्रंट सस्पेंशन अप साइड डाउन फोर्क इसमें मिलता है। मैं इस समय हरियाणा गुरुग्राम में हूँ, इस बाइक को चला रहा हूँ और मैं देखूँगा कि बाइक चलने में कैसी है। वाह, तो साउंड आप लोग सुन ही रहे होंगे। तो टेस्ट राइड की शुरुआत हो ही चुकी है, मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं मैं आपको जैसे सस्पेंशन और इसके बारे में बता चुका हूँ। सस्पेंशन बिल्कुल सही है, आगे से हैंडल बिल्कुल हल्का फील दे रहा है और चलाने में खास करके कटवट मारने में बहुत ज़बरदस्त है। और इसी समय पूरा डिटेल से बात कर लें तो पेरीमीटर फ्रेम है जिसकी वजह से लाइट वेट बाइक फील हो रही है और ख़ास करके जब आप इसको रेव करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और थोड़ा सा कट मारते हैं या कहीं से सकरी जी पतली सी जगह पे निकालते हैं तो वहाँ पर आपका बैलेंस नहीं बिगड़ता है। ये इसमें अच्छी बात लगी मुझे। और पेरीमीटर फ्रेम इसका ज़बरदस्त है, मुझे अच्छा लगा। और सस्पेंशन अब दूसरी बात आती है वाइब्रेशन की कि क्या इसमें वाइब्रेशन लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा, एकदम सही चल रही है। और हैंडल तो आपको बिल्कुल हल्का फील देगा। अब आती है बारी भाई जैसे इसके इंजन के बारे में बताने की। तो यहाँ पर अगर आप इसके इंजन को देखेंगे तो इसमें इस बजट में इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन आपको कहीं नहीं मिलेगा, खास करके 200 cc का लिक्विड कूल्ड 4-stroke सिंगल सिलेंडर इसमें लिक्विड कूल इंजन मिलता है। 4 valve इसके अंदर दिए गए हैं। थोड़ा सा और आगे से ले लेता हूँ नहीं तो पूरा बता नहीं पाऊँगा। और यह है हरियाणा गुरुग्राम का नज़ारा। हुआ तो जितनी प्राइस रेंज में भाई साहब ये बाइक आ रही है ये 100% आपको इम्प्रेस करेगी। और इसका पिकअप ये देखिए, मैं चौथे गियर में हूँ और जब मर्जी तब आप खींचो। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा स्पेशली इस बाइक के बारे में, या फिर NS160 हो या फिर ये, इनको डिजाइन किया गया है हाई RPM के लिए। जैसे कि आपको जैसे कि इनमें 97,000-9,000 RPM मिलती है, तो जैसे जब आप 5,000 RPM के बाद इस बाइक को खींचते हैं, देखिए अभी 6,000 RPM है, जितना खींचोगे ना भाई उतना ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें।
और इस बाइक को डिजाइन ही उनके लिए किया गया है जो लोग सबसे ज़्यादा पावर के शौकीन होते हैं, जिनको रेसिंग में पावर से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, उनको पावर चाहिए ही चाहिए, तो उनके लिए इस बाइक को डिजाइन किया गया है और ये अपनी उम्मीदों पर खरा उतरती है ये पावर के मामले में। आती है बात, जैसे इसमें स्लीपर क्लच नहीं है लेकिन गियर शिफ्टिंग की बात करते हैं, अगर गियर शिफ्टिंग की बात करें तो एकदम स्मूथ है, गियर शिफ्टिंग में आपको कहीं कोई दिक्कत इस बाइक में नहीं आने वाली है। और ब्रेकिंग मैंने टेस्ट कर ली और सब कुछ मैंने टेस्ट कर लिया है। और अब जैसे बात करते हैं, जैसे थोड़ा सा अगर आप कट वट मारते हैं तो कैसा फील होता है, वाह। और गियर लगाने पर आपको कोई बहुत ज़्यादा झटके नहीं फील होते हैं। मुड़ना कहाँ से है दोस्तों, मेरी 6 बजे की फ्लाइट है, मुझे 4 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं कम समय की टेस्ट राइड की वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो बाइक इम्प्रेसिव है और इस प्राइस रेंज में आप कोई भी शिकायत इस बाइक से नहीं कर सकते हैं कि जैसे आप चाहें 1,65,000 से 70,000 रुपये में ये 200 cc की लिक्विड कूल इंजन के साथ बाइक आती है, ड्यूल चैनल ABS, अपसाइड डाउन फॉर्क, मतलब सब कुछ आती है। R15 से लगभग इसमें 60,000 रुपये कम में ये बाइक आपको मिल जाती है 200 cc की, जो आपको मतलब कि एकदम गजब की पावर देगी और माइलेज 35 की देगी। और जैसे जो राइडिंग क्वालिटी है इसकी, चेसिस, इसके सस्पेंशन और ब्रेकिंग को लेकर 100% इम्प्रेस हो जाएंगे इस बाइक से, क्योंकि बाइक वाकई में लाजवाब है। आप पूछेंगे कि भाई कुछ मेरे हिसाब से यार सिर्फ सिंगल हॉर्न दिया है, अगर ड्यूल हॉर्न दे देते तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा इस बाइक में मज़ा आ जाता है। और 200 cc के हिसाब से इस बाइक का 158 किलोग्राम वजन है, तो वो तो मुझे सही लगा, वजन कोई दिक्कत नहीं कर रहा। 100 की स्पीड में जब आप जाते हैं तो हल्की तो बिल्कुल भी फील नहीं होती है, ये चीज़ मुझे इसमें बहुत बेटर लगा। अब यहां पर बात आ जाती है फाइनल रिजल्ट की। तो अगर इस बाइक के फाइनल रिजल्ट की बात करें कि भाई ये बाइक चलने में कैसी है और किन लोगों को इसको खरीदना चाहिए, ये देखिए, ये गो कार्ट का ट्रैक है और मैं इस पर ट्रैकिंग भी कर चुका हूँ और सस्पेंशन को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से यूज कर चुका हूँ। ये रही आपकी NS160, ये आपके सामने है, और ये है आपकी पल्सर NS200, यहाँ पर आप देख लें। अब यहाँ पर अगर मैं फाइनल रिजल्ट बताऊँ तो भाई साहब जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आती है निःशब्द हो गया हूँ मैं, मतलब इतनी प्राइस में 1,65,000 से 70,000 रुपये के बीच में आपको इतनी पावरफुल और इतने फीचर्स के साथ कोई बाइक नहीं मिलेगी। और ख़ास करके अगर आप इसके इंजन को देखेंगे तो जो लोग पावर के शौकीन हैं, जिनको पावर से समझौता नहीं करना है चाहे जो बात हो जाए, तो उनके लिए ये बाइक खास करके डिज़ाइन की गई है। और ख़ास करके वो लोग जैसे जो स्टैंड भी करते हैं या सिटी राइड टसन मारना चाहते हैं, तो उनके लिए एक गजब का लुक इस बाइक में आपको मिल जाता है। आप देखो भाई कितनी मस्कुलर है ये बाइक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाइक हर मामले में इतनी कम कीमत में इतनी बेहतरीन बाइक नहीं मिल पाएगी। और कमी की बात करूँ तो जो मैंने आपको बताया कि भाई अगर इसमें डबल हॉर्न होता तो आपको ज़्यादा मज़ा आता। बाकी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो जब इतनी प्राइस कम रखी गई है, आज 150 cc बाइक 2,35,000 रुपये मिल रही है, तो और ये 1,65,000 से 1,70,000 रुपये मिल रही है, तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बेहतरीन सौदा हो सकता है और ये एक जैसे कि बढ़िया बाइक है। और दूसरी चीज़,
जैसे कि इसकी सीट आप देखेंगे, चाहे आप पिलियन को बैठाएं चाहे जिसको बैठाएं, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि चलते समय आपको गिरने का कोई खतरा भी नहीं रहेगा इस बाइक पे। तो मेरे हिसाब से बाइक परफेक्ट है। अगर आपका लेने का मन है तो आपको एक बार टेस्ट राइड करनी चाहिए। जैसे ही आप इसको चलाएंगे आप खुश हो जाएंगे, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।